हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 की आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज एक का काव्य खंड का पाठ 6 पढ़ेंगे, जो कि कविता है चंपा काले अक्षर नहीं चीनती और उसके कवि हैं त्रिलोचन। तो उससे कविता पढ़ने से पहले त्रिलोचन के बारे में देखते हैं एक बार। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था और धरती गुलाब और बुलबुल दिगंत ताप के ताए हुए दिन शब्द उस जनपद का कवि आदि उनकी मुख्य रचनाएं थी। इनको साहित्य अकादमी शला का सम्मान महात्मा गांधी पुरस्कार मिला और ये रागात्मक संयम के कवि थे, इसीलिए इनको लोग शास्त्री जी की उपाधि दी गई थी। मतलब जो इनकी कविताएं थी वो उसकी संगीतबद्धता बहुत अच्छी थी, इसलिए इनको लोग शास्त्री जी की उपाधि से बुलाया कर। इन्होंने हिंदी में सोनेट लिखने का एक नया प्रयोग किया। सोनेट जैसे अंग्रेजी में एक कविता होती है जिसको कि 14 पंक्तियों की होती है, 12 पंक्तियां और 2 कपलेट, वैसे ही ये हिंदी में लिखा करते थे। इनकी भाषा चुटीली और नाटकीय कविताओं की होती थी, मतलब बड़ी ऐसा लगेगा आपको कि कोई नाटक खेला जा रहा हो। और जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, उसमें भी कुछ आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा। अभी कविता का सारांश देखिए। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता धरती संग्रह से संकलित है। धरती इनका एक संग्रह था, उसमें ये संकलित कविता है। यह पलायन के लोक अनुभवों की मार्मिकता से अभिव्यक्त करती। इसमें अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया। जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें काले काले क्या है, अक्षर के लिए इसका विशेषण है, एडजेक्टिव है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था और अंतर विरोधों को उजागर करता है। जो हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था है और उसके बीच जितने अंतर विरोध है, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स हैं उस शिक्षा व्यवस्था में, उसको ये काले अक्षर जो है वो अभिव्यक्त करते हैं। दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। अभी यहाँ पर दिखाया गया कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, कि सबको शिक्षा मिलती हो ये जरूरी नहीं, और खास तौर से लड़कियां जो हैं वो अभी भी अशिक्षित रह जाती हैं। और पहले के समाज में जब अशिक्षित रहती थी तो क्यों अशिक्षित रहती थी, लोग उनको अंदर से बचपन से ये सिखाया गया था कि पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है, और जो पढ़ते हैं वो तो शहर उनको जाना पड़ता है कमाने के लिए। तो लड़की के मन में पढ़ने को लेकर के डर बैठा हुआ है, और वो जो अक्षर लिखे हैं काले काले उसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या बना हुआ है, काले काला क्या है, इसमें से आवाज कैसे निकलती है। आवाज मतलब जब वो अक्षर देख करके कभी पढ़ता है तो उसको आश्चर्य होता है कि ये क्या पढ़ रहा है, इसको कैसे समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो कुछ पढ़ना जानती नहीं थी जो इसकी नायिका है। तो यहाँ पर जो काव्य नायिका है चंपा, वो अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है। इसमें जो एक नायिका है चंपा, उसको पढ़ना नहीं आता और वो हमारी व्यवस्था के विपक्ष में खड़ी हो जाती है, उसको बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं है और उसके मन में भविष्य को लेकर खतरा है, एक अनजाना खतरा। उसको डर लगता है कि नहीं, अगर मैंने पढ़ाई करी तो बाहर जाना पड़ेगा, मेरा घर टूट जाएगा, मेरा पति मुझसे अलग हो जाएगा। और इसीलिए वो कहती है कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदुरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट कर। काव्य की नायिका चंपा अक्षर को नहीं पहचानती। अभी यहां पर कहानी है शॉर्ट में। जब कवि पढ़ता है तो चुपचाप पास खड़ी होकर के आश्चर्य से सुनती है। वह एक सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है, गाय भैंसे चराने का काम करती है। वह अच्छी और चंचल है, कभी वह कवि की कलम चुरा लेती है तो कभी कागज उठा ले जाती है। क्या यह काम अच्छा है, वो पूछती है, पढ़ना लिखना क्या यह काम अच्छा है, और वो कवि लिखता था तो पूछती क्या गोदा गादी करते रहते हो। कवि हंस देता है। एक दिन कवि ने चंपा से पढ़ने के लिए कहा तो उसने इसे और गांधी बाबा की इच्छा बताई कि गांधी जी भी कहते हैं पढ़ना चाहिए, तो चंपा ने कहा वह नहीं पढ़ेगी, गांधी जी को बहुत अच्छा बताते हो फिर भी पढ़ाई की बात कैसे कहेंगे, उसके हिसाब से जो लोग अच्छे होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, जो पढ़ने वाले हैं वो अच्छे नहीं होते। शादी के बाद तुम तो कवि ने क्या कहा, पढ़ना अच्छा है, शादी के बाद तुम ससुराल जाओगी, तुम्हारा पति कलकत्ता काम के लिए जाएगा तो पति को कैसे संदेश भेजोगी और पति का संदेश कैसे पढ़ोगी। तो ये कहती है कलकत्ता पर वज्र गिर जाए, मैं तो अपने पति को कलकत्ता जाने ही नहीं दूंगी और कलकत्ता पूरा बर्बाद हो जाए क्योंकि इसके पति को बाहर ले जाएगा, तो वो ऐसी कामना करती है। यह है कविता का सारांश। अब कविता देखते हैं बच्चों। पंक्ति शुरू की पंक्तियां, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वे आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। अब ये जब होते हैं उसको पढ़ रहे होते हैं जब ये कविता, तो वो आके खड़ी हो जाती है, चुपचाप सुनती है और बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो काले काले अक्षर लिखे हैं इनमें से आवाज कैसे निकलती है, ये कैसे पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि उसको तो कुछ समझ में नहीं आता था। व्याख्या देखिए,
कवि चंपा नामक लड़की जो कि अनपढ़ है उसके निरक्षरता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चंपा काले अक्षर को नहीं पहचानती। चीनना मतलब पहचानना, अर्थात उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, उसे पढ़ना नहीं आता। जब कवि पढ़ने लगता है तो वह वहां आ जाती है। वह उसके द्वारा बोले गए अक्षरों को चुपचाप खड़ी खड़ी सुनती है। उसे इस बात की हैरानी होती है कि किन काले अक्षरों से ये सब ध्वनियां कैसे निकलती हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे अक्षरों की ध्वनि और अर्थ से हैरान होती है। जिसने पढ़ा नहीं तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, उसको कुछ पता नहीं होता। आगे की पंक्तियां, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। ग्वाला जो दूध देने का काम करते हैं वो ग्वाला है और गाय भैंस रखता है। चंपा जो है वो चौपायों मतलब जानवरों को, चार पैर वाले, उनको लेकर के चराने का काम किया करती है। चंपा अच्छी है लेकिन चंचल है और नटखट है। चंचल मतलब शैतान किस्म की है, नटखट भी है। अब कभी कभी उधम करती है, उधम मतलब परेशान करती है, कभी कभी बहुत परेशान करती है। कभी कभी वो कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूं तो पाता हूं अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। कभी कह रहा है वो शैतानी करती, कभी 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 मेरा कलम ले जाती है, कभी मैं कलम ढूंढ के लाता हूँ तो कागज ले जाती है, मुझे बहुत परेशान करती है। वैसे वो अच्छी है। भावार्थ, कवि चंपा के विषय में बताता है कि वह सुंदर नामक एक ग्वाले की लड़की है, वह गाय भैंसे रखती है। चंपा उन सभी पशुओं को प्रतिदिन चराने के लिए लेकर जाती है। वह बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी चंचल भी है, वह शरारते भी करती है। कभी वह कवि का कलम चुरा लेती है, कभी ढूंढ कर कलम लाता है तो उसे पता चलता है अब कागज गायब। कवि चंपा की इन शरारतों से कभी कभी परेशान हो जाता है। आगे की पंक्तियां, कविता बच्चों बिल्कुल ऐसे आपको लगा जैसे गद्य लिखा हो, कोई कहानी लिखी हुई हो। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर वह हंस देता हूं। फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अभी एक दिन की बात है, जब कवि कागज पे लिखता था तो वो आके पूछा करती थी, तुम ये कागज पे गोदा क्यों करते? गोदा मतलब स्क्रिबलिंग करना, इधर उधर क्या बना, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि ये लिख रहे हैं। तो वो कहती है, तुम क्या गोदा करते हो, क्या ये बहुत अच्छा काम है? तो वो कभी हंस देता था और फिर चुप होकर चंपा से कहते थे, तू भी पढ़ ले, तो वो साफ मना कर देती, मैं नहीं पढ़ूंगी। फिर इन्होंने एक दिन उसको कहा, देखो पढ़ लो, कभी हारे गाड़े काम से रहेगा, हारे गाड़े मतलब कभी मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा और तुमको पढ़ाई मदद करेगी। और गांधी बाबा की भी यही इच्छा है कि पढ़ लेना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। तो क्योंकि तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, अगर वो अच्छे तो वो पढ़ने लिखने को कैसे कहेंगे, क्योंकि पढ़ना लिखना तो गंदी बात, खराब बात, इसको पढ़ने से तो आदमी को शहर जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, घर छोड़ के। तो ये गांधी बाबा तो अच्छे हैं तो वो ये बात नहीं कह सकते, तुम झूठ बोलते हो। तो वो ऐसे कहकर के और बिल्कुल साफ मना कर देती है, मैं तो नहीं पढ़ू। इसके व्याख्या देखें, कवि कहता है चंपा को काले अक्षर से कोई संबंध नहीं। कवि से पूछती है कि तुम दिन भर कागज लिखते रहते हो, क्या यह काम तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? उसकी नजर में लिखने के काम की कोई महत्ता नहीं। उसकी बात सुनकर कवि हंसने लगता है और चंपा चुप हो जाती है। एक दिन चंपा आई तो कवि ने उससे कहा कि तुम्हें भी पढ़ना लिखना चाहिए, मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएगा। वे महात्मा गांधी की इच्छा को भी बताता है कि गांधी जी की इच्छा थी कि सभी आदमी पढ़ना लिखना सीखें। चंपा कवि की बात का उत्तर देती है कि वह नहीं पढ़ेगी और आगे कहती है कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, फिर वे पढ़ाई की बात क्यों करते हैं? चंपा महात्मा गांधी की अच्छाई या बुराई का मापदंड पढ़ने की सीख से लेती है। वह ना पढ़ने के लिए निश्चय को दोहराती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। फिर वो कहते हैं, मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संघ साथ रह चंपा, वह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। फिर इन्होंने एक और बहाना दिया कि शायद पढ़ ले, तो उन्होंने उससे उसको क्या कहा कि देखो पढ़ लेना अच्छी बात है, जब तुम्हारी शादी होगी फिर तुम्हारा गौना होगा, गौना शादी पहले बचपन में शादियां हो जाती थी और फिर जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते थे तो उनको उनके ससुराल भेज दिया जाता, तो उस समय ससुराल जाने को गौना कहा जाता था। तो वो कह रहे हैं तुम्हारी शादी होगी और जब तुम्हारा गौना होगा मतलब तुम जब ससुराल जाओगी तो थोड़े दिन तो तुम्हारे साथ पति रहेगा और फिर पति तुम्हारा चला जाएगा काम करने के लिए, उसको कलकत्ता जाना होगा और कलकत्ता बहुत दूर है, फिर जब वो संदेशा भेजेगा तो तुम पढ़ोगी कैसे और तुम कैसे संदेशा लिखोगी, तुम्हें पढ़ना नहीं आता होगा। तो चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि चंपा को पढ़ने की सलाह देता है तो वो स्पष्ट तौर पर मना कर देती है। कवि शिक्षा चंपा को शिक्षा के लाभ गिनाता है। वह उसे कहता है कि तुम्हारे लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, एक दिन तुम्हारी शादी भी होगी और तुम अपने पति के साथ ससुराल जाओगी, वहां तुम्हारा पति कुछ दिन रहकर नौकरी के लिए कलकत्ता चला जाएगा, कलकत्ता यहां से बहुत दूर है, ऐसे में तुम अपने विषय में कैसे बताओगी, तुम उसके पत्रों को किस प्रकार पढ़ोगी, इसलिए तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। तो चंपा क्या जवाब देती है, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो,
देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतना झूठ बोलते हो, मैं तो कभी ब्याह नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ते में कभी नहीं जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। अब वो कहती है, तुम कितना झूठ बोलते हो, मतलब तुमने तो बोला था कि गांधी जी बोलते हैं कि अच्छे हैं गांधी जी, और तुम कह रहे हो गांधी जी तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, इसका मतलब तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि गांधी जी अच्छे, वो पढ़ाई की बात नहीं कर सकते, और तुम लगता है पढ़ने लिखने के बाद झूठ बोलने लग जाते हैं सब, तुम पढ़ लिख करके भी इतना झूठ बोलते हो, मैं तो कभी ब्याह नहीं करूंगी। वो बोली, मैं तो शादी नहीं करूंगी, और अगर बाई चांस शादी हो गई तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी, मैं उसको कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, कलकत्ते पे तो वज्र गिरे, वज्र मतलब उसके ऊपर विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, और कलकत्ता बिल्कुल जल के खत्म हो जाए, खत्म ही हो जाए, जब कलकत्ता ही नहीं रहेगा तो पति जाएगा नहीं, तो कलकत्ता समाप्त हो जाए, ऐसा वो कामना करती है। कवि द्वारा चंपा के पढ़ने की सलाह पर वह उखड़ जाती है, वह कहती है, तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो, जहां तक शादी की बात है मैं तो शादी कभी नहीं करूंगी, और यदि कहीं शादी हो गई तो पति को अपने साथ रखूंगी, उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, दूसरे शब्दों में अपने पति का शोषण नहीं होने देगी। शोषण यहां पर क्या होता था, जरा भी पढ़ लिख गए तो भाई गांव से बाहर जाना पड़ता था, फिर वहां जाके कोई बड़ी अच्छी नौकरियां तो मिल नहीं, अधिकारी तो बन नहीं जाते थे, कुछ मजदूरी का काम, कुछ ऐसे काम करने पड़ते थे, घर से दूर रहना पड़ता था, मिट्टी धोते थे, पत्थर तोड़ते थे, बहुत मेहनत का काम करते थे, और शोषण होता था, पैसे भी प्रॉपर नहीं मिलते थे। तो वो कह रही है, मैं अपने पति का शोषण नहीं होने दूंगी। चंपा यहां तक कह देती कि परिवार को दूर करने वाले शहर कलकत्ता पर बज गिर जाए, जो कलकत्ता शहर तो बहुत खराब है, ये परिवार को दूर कर देता है, तो इसके ऊपर पूरी विपत्ति आ जाए, खत्म हो जाए, वे अपने पति को कलकत्ता से दूर रखेगी, वो नहीं जाने देगी। तो यहां इस कविता में हमारी जो पुरानी प्रथा है, परंपरा है, या जो हमारी पुरानी सोच है, उस पर कवि ने एक कटाक्ष किया है, और आपको दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे शिक्षा जो है वो सब तक नहीं पहुंची, कैसे शिक्षा जो है वो लोगों के मन को बदल देती है, उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, वो कितना गलत सोचते हैं, और लड़कियों के लिए खास तौर से शिक्षा कितनी जरूरी है, लेकिन लड़कियों के मन में शिक्षा को लेकर कैसे डर बिठाया जाता है, समाज लड़कियों को कैसे सिखा देता है कि नहीं नहीं पढ़ना मत, पढ़ना पढ़ोगे तो कलकत्ता जाना पड़ेगा, या तुम्हारा पति पढ़ा हुआ होगा तो कलकत्ता चला जाएगा और तुमसे दूर हो जाएगा। तो यहाँ ये छोटी सी कविता थी बच्चों, ये कविता मुक्त छंद की कविता है, इसमें कोई तुकांत नहीं है, कोई लय नहीं है, इसको गाया नहीं जा सकता, परंतु इसमें फिर भी एक प्रवाह है आपको देखने को मिलेगा, और ये गद्यता गद्यात्मक एक कविता है। आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी, क्योंकि कविता बिल्कुल कहानी जैसी है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। गुड बाय।